more core, and aaj main apna birthday celebrate kar rahi hu Chelly reporter, so thank you so much for coming, and they've got me this lovely cake. I don't know, mujhe iski packing nahi itni pasand aa rahi hai. So thank you for the surprise, and let's open it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, dear Ashnoor. Happy birthday to you. काफी फन सेलिब्रेशन रहा. यही पर्क्स होते हैं यू नो पैकअप के बाद सेलिब्रेट करने में. सो यस, बहुत ही फन सेगमेंट था. एंड मम्मा को भी मैंने केक लगाया क्योंकि उन्होंने भी मुझे केक लगाया. सो इट वाज अ रियली फन मस्ती भरा सेगमेंट. एंड थैंक यू सो मच. बर्थडे सुन के आता है, इट्स माय डे एंड इट्स लाइक पैम्परिंग डे. सब पैम्पर करेंगे आपको. वैसे भी पैम्पर करते हैं बिकॉज आई एम द यंगेस्ट ऑन दी सेट. बट यस, इट्स लाइक माय डे. अब तक का मेरा 13th बर्थडे सबसे बेस्ट रहा था बिकॉज हमने पार्टी वगैरह की थी. एंड आई वॉज द लास्ट वन इन माई एंटायर एक्टर्स का ग्रुप बिकॉज आई एम द यंगेस्ट. आई वॉज द लास्ट वन टू बिकम अ टीनेजर एंड आई वॉज ऑफिशियली अ टीनेजर फाइनली 13th बर्थडे. एंड सब लोग आए थे एंड इट वॉज रियली फन. एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बहुत रहती है, स्पेशली जब वो पैक्ड आते हैं ना, मुझे खोलने में ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है मोर देन जस्ट दी गिफ्ट्स. एंड अभी तक तो फिलहाल क्योंकि हम एडवांस में स्टोरी कर रहे हैं तो अभी तक कोई गिफ्ट नहीं आया. बट यस, केक्स वगैरह आए हैं इतने सारे, सो मेनी बैलून, सो मेनी विशेस, एंड आई गेस दैट्स मोर देन इनफ. सो आई गेस टू थिंग्स, टू विशेस. एक, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए 10th का बोर्ड का. मुझे इतनी अभी नर्वसनेस हो रही, मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आ रहा है यार, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बट नेवर माइंड, एक रिजल्ट अच्छा आ जाए. सेकेंड दैट थिंग आई वुड वॉन्ट टू चेंज इज़ कि आजकल यू नो यूथ बहुत ही अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करता है, ओल्ड एज होम वगैरह में छोड़ देते हैं अपने पेरेंट्स को, उतनी केयर नहीं करते. तो यही एक चेंज करना चाहूँगी कि उतना लव, उतनी रिस्पेक्ट चिल्ड्रन भी अपने पेरेंट्स को दें बिकॉज वो आपको यू नो चलना सिखाते, दुनियादारी सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, एंड दे डिज़र्व इट ऑल. तो एक ये चीज़ मैं ज़रूर चेंज करना चाहूँगी. इस साल मैं पीस में बर्थडे मना रही हूँ, मैं पीस में बर्थडे मना रही हूँ, रिजॉर्ट जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ बिकॉज यू नो पापा इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो इतना टाइम नहीं मिलता साथ में स्पेंड करने के लिए. सो वी गोना हैव अ गाला फैमिली टाइम एंड थोड़ा पीस में यू नो माय टाइम फैमिली टाइम में सेलिब्रेट कर रही हूँ अवे फ्रॉम द बिजी एंड भाग दौड़ वाला वर्ल्ड. हाँ वेल, एक्चुअली मैं काफ़ी एक्टिव नहीं हूँ बट स्टिल 1.8 million कम्प्लीट कर लिया हमने इंस्टाग्राम पर एंड 100 डेज का काउंटडाउन मिला था. मुझसे ज़्यादा मेरे फैंस एक्साइटेड थे बिकॉज मेरे तो बोथ्स थे तो मैं उतना नहीं कर पाई. बट ऑल माई फैंस इन स्पाइट ऑफ देयर बोथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ओन बिजी स्केड्यूल, दी वर ऑलवेज देयर फॉर मी. काउंटडाउन दिया, इतने सारे एडिट्स बनाए, इतने प्यारे प्यारे जो मैसेजेस लिखते हैं वो. तो I know I'm not able to reply to each and everyone, but they mean a lot and thank you so much guys. It's all your love and support that motivates us to do even better and give our 110%. So keep the love pouring in and thank you so much. Lots of love. Mwah. Here the story was, you know, usually aisa stereotype hota society mein ki ladka hona chahiye, ladki nahi honi chahiye, all that stuff. Though my family is not like that. बट यू ना जो दूर के एकदम रिलेटिव्स होते हैं ऐसे ही कुछ लोग देर लाइक अच्छा लड़की हुई है, ओ ओके कोई बात नहीं. बट माई डैड एट द सेम टाइम ही ओपन अ शैम्पेन व्हेन आई वाज बॉर्न एंड ही वाज प्राउड टू हैव अ डॉटर और उनको हमेशा से बेटी ही चाहिए थी. सो आई गेस आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स. या दे ऑलवेज डू रियली रियली गुड थिंग्स टू मेक माई बर्थडे स्पेशल. ये मस्ती करती है मम्मा के साथ इसके. ये जैसे बहुत ही हार्ड वर्किंग है तो यही विश रहेगी कि आप ऐसे बेटा मेहनत करते रहो और लाइफ में ग्रो करो. ऑलराइट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू.
यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।